किसानों की कई समस्याओं के जल्द समाधान को लेकर भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में सहारनपुर से दिल्ली जा रही पदयात्रा मेरठ के रास्ते गाजियाबाद पहुंच गई है, जिसमें काफी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान मेरठ से गाजियाबाद की तरफ आ रहे नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। किसानों की इस पदयात्रा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है और पूरी निगाह पुलिस और प्रशासन इस पदयात्रा पर बनाए हुए हैं। बता दें कि किसानों की ये पदयात्रा सहारनपुर से 11 सितंबर को शुरू हुई है। 21 सितंबर को ये पदयात्रा किसान घाट दिल्ली पहुंचेगी। किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में किसान एवं मजदूर सहारनपुर से दिल्ली किसान घाट तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। संगठन के नेताओं का कहना है कि आज सरकार की हालत दयनीय है। सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। सरकार बिजली की दर में बढ़ोतरी कर किसान की कमर तोड़ने का काम कर रही है। कर्ज के चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार से जवाब मांगने के लिए किसान सड़क पर उतरे हैं। भुगतान की परेशानी, बिजली के बड़े बिलों की परेशानी, 5-5 हज़ार को किसानों की आर्थिक कट रही, घर जा जा कर पुलिस परेशान कर रही, बालकों की फीस देने को नहीं है, इससे वादे कर करके सरकार ने धर्म के जाति के नाम पर वोट दे दी। हम परेशान है तो सड़कों पर आए, क्योंकि सदन में तो लड़ाई लड़ने रहा। रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी, कहाँ से चालू कर दिया आप? रैली क्या है तो परेशानी में यात्रा है, पदयात्रा सहारनपुर से शुरू हो रही है। हमारा इरादा है कि हम उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाने जहाँ कहा था कि 1950 में देश आज़ाद हुआ था। हम भी देखना चाह रहे हैं कि हमारी आज़ादी वहाँ लिखी हुई है, नहीं कभी हमारे पता लगे गुलामी है।